आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे और बड़े दोनों खाना बहुत पसंद करते हैं, जो है चीज़ी वेजिटेबल मोमो। नए अंदाज में मोमो सर्व करने के लिए मेरी रेसिपी एंड तक देखें। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे मिक्स करेंगे। डो हमें सॉफ्ट बनाना है, इसके लिए मैंने गुनगुना पानी लिया है, इससे डो सॉफ्ट बनेगा। डो रेडी है, इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक स्टफिंग रेडी करेंगे। हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून के करीब, अदरक 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ, 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्च चॉप्ड की हुई। इसे हम लाइट सॉटे करेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है। ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब प्याज, इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम एक एक करके फटाफट सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ बीन्स 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चॉप कैप्सिकम और 1.5 कप के करीब ग्रेट किया हुआ कैबेज। इसे मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। हल्का सा सॉटे कर लेंगे और ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। अब डो को एक बार और गूंथ लेंगे, इससे डो स्मूथ हो जाएगा। मैंने स्टीमर में पानी गर्म करने को रख दिया है। अब छोटी लोई लेंगे और पूरी की साइज का बेल लेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि हमें लोई को मोटा नहीं बेलना है, इसे हम पतला बेलेंगे। इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे। अब फोल्ड करेंगे, पहले 3 बार इस तरह पिंच कर लेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे और इसे सेंटर में ले जाकर प्रेस कर देंगे और फिर किनारे से इस तरह फोल्ड करेंगे। मैंने सारे मोमो रेडी कर लिए हैं। स्टीमर को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और मोमो रख देंगे। एक बात का ध्यान देना है कि मोमो के बीच में गैप रखेंगे ताकि स्टीम होने के बाद मोमो एक दूसरे से चिपके नहीं। पानी उबल गया है, अब मोमो को हम 10 से 12 मिनट कवर करके स्टीम कर लेंगे। मोमो स्टीम हो गया है, इसे निकाल लेंगे। हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर डालेंगे। इसमें अपने स्टीम किए हुए मोमो डालेंगे। यहाँ मैंने टमाटर और मिर्ची को बॉयल करके लहसुन और नमक डालकर पेस्ट रेडी कर लिया है, इसे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून के करीब और डाल रही हूँ 5 से 6 टेबलस्पून के करीब चीज सॉस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और डाल रही हूँ मोज़रेला चीज। ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। इसे मैं कवर करके चीज मेल्ट होने तक लो फ्लेम में कुक करूंगी। हमारा माउथ वाटरिंग चीज़ी मोमो रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें और एंजॉय करें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।